बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी टमाटो केचप, जो हर स्नैक्स की जान है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 किलो टमाटर लिए हैं। इनको अच्छी तरह हम वॉश कर लेंगे। टमाटर हमेशा लाल और जूसी जूसी यूज़ कीजिए। जो सूखे और सख्त टमाटर हैं, कच्चे और पीले टमाटर हैं, वो हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करें। इससे ना तो अच्छा टेस्ट आएगा, ना ही कलर अच्छा आएगा। तो यहाँ मैं इनको वॉश कर लूँगी और फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। और मसाले जाएंगे अदरक 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून लहसुन और प्याज 1 छोटे साइज़ का। तो यहाँ मैंने तकरीबन 6 अदद लौंग लिए हैं, 1 टीस्पून भरकर साबुत ज़ीरा, दालचीनी के टुकड़े आप देख सकते हैं तकरीबन 1 छोटा चम्मच भरकर, और स्टार लीफ लिया है, जावित्री और 15 से 20 काली मिर्चें। इन सारे खड़े मसालों को कूट लेंगे और एक पोटली बांध लेंगे इस तरह। तो यहाँ मैंने काट लिया है प्याज और रफली काटा है, और सिरा उतार लेंगे टमाटर का और 4 से 6 हिस्से कर लेंगे, और लहसुन अदरक को भी मैंने क्रश कर लिया है। यहाँ हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, 3 चम्मच के करीब पानी ऐड करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे प्याज रफली कटा हुआ, लहसुन अदरक क्रश किया हुआ या कूटा हुआ, ऐड कर देंगे इसके ऊपर ही टमाटर, और पकने के लिए हम इसको रख देंगे ढक्कन लगाकर। पहले हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट ढक्कन लगाकर, और फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो यहाँ मैंने मसालों को कूट लिया है, इनको क्रश करना है, इनको पीसना बिल्कुल नहीं है, दरदरा सा, और यहाँ इस तरह पोटली बांध लेनी है। तो टमाटर आप देख सकते हैं इनको तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल साबुत मिर्चें। अगर आपके पास जो ग्रीन वाली सब्ज़ वाली मिर्चें सूखी हुई लाल हो जाती हैं वो डाल दें, तो उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इनसे भी अच्छा कलर और टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। और इनको ढक्कन लगाकर मज़ीद पकाएंगे। तकरीबन इनको 5 से 6 मिनट पकाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम जो मसाले की पोटली बना कर रखी है, पहले हमने ऐड नहीं करनी, इस टाइम पे हम ऐड करने वाले हैं। अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा गढ़ा सा बनाकर इसमें पोटली रख देंगे मसाले वाली, और यकीन कर लें कि पोटली आपने सही से बांध कर रखी है, खुलनी नहीं चाहिए। और ढक्कन लगाकर इसको पकाएंगे तकरीबन पोटली के साथ 5 मिनट धीमी आंच पर। तो ये बिल्कुल डन हो चुके हैं, पोटली को निकाल लेंगे और टमाटो को ठंडा कर लेंगे। पोटली को ज़ाया मत करें, किसी खाने में ये मसाला यूज़ कर सकते हैं, पोटली में करें या पीस कर करें। और टमाटर हमारे ठंडे करने के बाद हम पीस लेंगे। ये देखें, मैंने ब्लेंडर में इसको पीस लिया है, और उसी कढ़ाही में जिसे मैंने इनको निकाला है, ये छोटा सा स्ट्रेनर है, इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर मैंने छान लिया है। तो इस टाइम इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, कितना स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें ऐड कर देंगे नमक, और जो हमारे पास ये बीज वाला इसका बकिया बचा है जो हमने छान के निकाला है, वो किसी मसाले में ऐड कर सकते हैं, किसी रेसिपी में। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सीधा रेगुलर नमक, और इसमें साथ ही ऐड कर देंगे सिरका, जो बहुत ज़रूरी है। सिरका इसको लंबे अरसे तक सेफ रखेगा, जितने आपको खटाई पसंद है उस हिसाब से सिरका आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1/4 कप ऐड किया है, 1 किलो के लिए आप 1/2 कप का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने लंबे अरसे तक इसको सेव करना है तो आप 1/4 कप ही ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास टमाटर 1.5 किलो है या 2 किलो है तो 1.5 कप जाएगा सिरका, या 1/4 कप या 1.5 कप ऐड कर लीजिए। और
यहाँ मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी मैंने ऐड की है 200 ग्राम, तो ये बहुत ही अच्छी मेजरमेंट है। अगर आपको ज़्यादा मीठा करना है तो आप 250 ग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। इससे ज़्यादा खट्टा नहीं, ज़्यादा मीठा नहीं होगा, खट्टा मीठा होगा और बहुत मज़े का होगा। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये बाज़ार से लिया है या घर में बनाया है। इसमें मैंने फूड कलर बिल्कुल ऐड नहीं किया, ये पकने के बाद खुद ही इसका कलर चीनी डालने के बाद आया है। जब आप इस रेसिपी को बनाकर खाएंगे तो सभी घर वाले आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ से मंगवाया है, किस ब्रांड का है, और इसका टेक्सचर, इसका जायका, इसका कलर बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि वाकई आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी है। तो मज़ीद इसको पकाएंगे, ये आप देख सकते हैं कि इसमें मोटे मोटे बबल आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि चीनी का पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। तो अगर ये मोटा मोटा उड़कर गिरने लगे तो आप समझ लें कि ये बिल्कुल रेडी है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे। एक मैं प्लेट में आपको दिखाती हूँ। पहले आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर अभी ये गर्म है, धुआं निकल रहा है, और मैं एक ठंडी प्लेट लेती हूँ रूम टेम्परेचर वाली। तो इसमें मैं दो बूंदे डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना माशाल्लाह अच्छा कलर आया है। इसमें बिल्कुल मैं कलर शामिल नहीं मैंने किया, इसका अपना कलर है। जो मैंने मिर्चें इसमें शामिल की थी उसकी वजह से बहुत अच्छा कलर आया है, और इसके छिलके भी इसी के अंदर मैंने ब्लेंड किए थे ब्लेंडर में डालकर, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर और कलर आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़रूर इसको ट्राई करें। बड़ी बड़ी सॉस और चटनियाँ और कैचअप बाजारी सब भूल जाएंगे और इसी को बार बार बनाकर खाएंगे। तो यहाँ मेरे पास कैचअप बोतल है, तो इनको मैंने गर्म पानी से अच्छी तरह वॉश करने के बाद धूप में सुखा लिया था। तो दोनों बोतल हम कैचअप से फुल कर लेंगे। तो ये दूसरी बोतल है, तो यहाँ मैंने दोनों बोतलों में कैचअप डाल दिया है। एक बिल्कुल हाफ से थोड़ी कम हुई है और एक जो फुल भर चुकी है। अब देख सकते हैं कि जब हम इसका कैचअप निकाल रहे हैं तो डॉट लगाने से, लेयर लगाने से माशाल्लाह किस तरह खूबसूरती से कैचअप गिर रहा है, और कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। इसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी नहीं है, ये देखें। तो अब आपको यकीन आ गया होगा कि वाकई ये अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो जब आप ख़ुद बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बनाया है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसको ट्राई करें। ये देखें प्लेट को मैं उल्टा कर रही हूँ तो बिल्कुल नहीं नीचे गिर रहा, बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी आई है। कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये घर में बनाया है या किसी बड़े ब्रांड का है, बाज़ार से लेकर आए हैं। कलर देखें, टेक्सचर देखें, जायका बहुत ज़बरदस्त आया है। ये देखें, वापस मैं उसी बोतल में डाल रही हूँ और यहाँ एक छोटी सी प्याली में निकालेंगे आपको दिखाने के लिए कि इसका टेक्सचर देखें। जब हम इसको प्याली में ऐड कर रहे हैं तो प्याली को टैप करूँगी ताकि इसकी सतह बिल्कुल बराबर हो जाए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, और एक कचौड़ी लेंगे तो इसके साथ इसका टेक्सचर देखें माशाल्लाह किस कदर अच्छा है। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।